वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर कौन सा प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। बहुत दिनों से आप लोगों की प्रतीक्षा थी प्रोबेबिलिटी के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स। देखोगे अब हमने कहा कि चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, कोई भी इवेंट का हैपन होना और नहीं होना, इसका मतलब इवेंट हैपन तब होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन इवेंट कैन नॉट बी अकर्ड। इवेंट तो हमारे पास हैपन होगा ही नहीं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो, उस एक्टिविटी के बाद जो हमारा आउटकम्स रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स को हम आउटकम कहते हैं। लेकिन किसी भी जो एक्टिविटी की जा रही है फॉर फाइंडिंग द इवेंट्स, टू ऑब्टेन द इवेंट्स, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एग्जाम दोगे आप लोग तो बिना एग्जाम दिए तो पास और फेल की तो बात नहीं होगी, लेकिन एग्जाम देना एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो बात की चीजें हैं। रिजल्ट या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यस और नो हमारा क्या हो गया है? उसके रिजल्ट्स हो गए, आउटकम्स हो गए। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? एक एक्ट है जिसके थ्रू हमारा आउटकम्स अकर्ड होता है। एनी एक्ट बाय विच आउटकम्स अकर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे डाइंग, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना, थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमारे पास क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दे आर द आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या हो गया हमारे पास? रिजल्ट्स इन एन एक्टिविटी, इन एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज द आउटकम्स। और एक्टिविटी जिसके द्वारा रिजल्ट आएगा दैट इज द एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अ टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन इज अ एक्सपेरिमेंट, बट आफ्टर टॉसिंग व्हाट वी गेट रिजल्ट, द रिजल्ट इज आउटकम्स। ये ध्यान रख लेना आप लोग, क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास आउटकम्स, रिजल्ट्स अकर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट्स अकर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ क्वाइन इज एक्सपेरिमेंट। यही हुआ कि नहीं हुआ? टॉसिंग अ क्वाइन इज एक्सपेरिमेंट। आफ्टर टॉसिंग वी गेट हेड और टेल,
हेड और टेल, दिस इज द आउटकम्स. व्हाट इज आवर रिजल्ट्स? रिजल्ट्स इज कॉल्ड आउटकम्स. अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट की जाती है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, उस पॉसिबल आउटकम्स का अगर कलेक्शन किया जाए, एक सेट तैयार किया जाए, तो उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस. क्लियर है? सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट. लिखोगे सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट. इज कॉल्ड sample space. Collection of all possible outcomes in an experiment is called sample space. Clear है? It is denoted by S. Set के रूप में. Collection कहने का मतलब क्या होगा? Set के रूप में होगा. हम normally इसे किस पे denote करते हैं? S से denote करते हैं. किससे denote करते हैं? S से denote करते हैं. ठीक है. अगर जैसे हमने की एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई एस सैंपल स्पेस है, कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 दे आर द पॉसिबल आउटकम्स. अगर डाई थ्रो करोगे तो क्या आएगा आपको? यही आउटकम्स पॉसिबल, यही आउटकम्स आएंगे कि नहीं आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा. और इस जो हमारे पास पॉइंट्स है, जैसे हमने लिखा, इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट. क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट. 1 इज द सैंपल पॉइंट, यानी 1 इज आउटकम्स. 1 क्या है? आउटकम्स है. लेकिन इसका एस का एक एलिमेंट हो गया, मतलब सैंपल का एक पॉइंट हो गया हमारे पास. ये हमारे पास हो गया सैंपल स्पेस. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एनएस क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं एनएस. एनएस इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, दैट इज द 6. टोटल 6 है कि नहीं है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गए. अगर एक कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? या आइदर हेड और टेल. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट? दैट इज द 2. यही होगा. अब देखोगे इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. हमने कहा कि एक डाई थ्रो किया इवेंट, इवन नंबर, यानी इवन नंबर हमारा इवेंट है. तो 1 2 3 4 5 6 में से ही 2 4 6 इवन नंबर का हमारे पास इवेंट है. तो इवेंट बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा. क्या होगा? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अब बात आती है फेवरेबल इवेंट. जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, ध्यान देना, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फेवरेबल इवेंट. और उसके अगेंस्ट जो इवेंट होगा तो क्या कहा जाएगा? वो अनफेवरेबल. क्या कहेंगे उसको? अनफेवरेबल इवेंट कहा जाएगा. क्लियर है? फेवरेबल इवेंट द इवेंट विच हैज टू फाइंड आउट द
प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। और अनफेवरेबल इवेंट, जैसे हमारे पास कोई भी एक डाई थ्रो किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इवन नंबर हमारा क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट हो गया। उसके अगेंस्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर इज अनफेवरेबल इवेंट, यानी जो फेवरेबल इवेंट नहीं हैपन होने का क्या चांसेस है, उसको अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज द अनफेवरेबल इवेंट। अंतर ध्यान रखना, वर्ड यूज अगर होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल के बीच में। लेट A इक्वल टू फेवरेबल इवेंट, S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, या इसको कह सकते हैं टोटल कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही होगा। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल इवेंट, एन एस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। पी ए इज डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड पी ए इज इक्वल टू, पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस, एन ए बाई एन एस। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान देना, दिस इज अ फेवरेबल इवेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल इवेंट। इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ए नॉट या नॉट ए, इसको हम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो टू वन। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में देखो, प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन, प्रोबेबिलिटी वन से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, इफ पी ए इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, A is impossible event. जो experiment, impossible event क्या होगा, अगर मैंने experiment किया और वह event अकर ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, उसके outcomes तो आएंगे ही नहीं, तो क्या होगा हमारा, impossible होगा। मैंने एक die throw किया, मैंने कहा कि सेवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई थ्रो करेंगे तो सेवन तो आएगा ही नहीं, जब सेवन नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, सेवन हमारा इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, हैपन ही नहीं होगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो होता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन के बराबर है, ए इज
श्योर इवेंट, ए क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ देता है। ऑलवेज प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर मैं 0 to 1 की बात कर रहा हूं तो समझ लेना कि प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं और डेसिमल में भी डिनोट कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल और परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये तीनों में से हो सकता है। अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 10% है, दिस इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका 0.1 या 10/100 1/10 भी लिख सकते हैं। यानी परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी को हम तीनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए डाई इज थ्रोन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट इवन नंबर, प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर, नंबर ग्रेटर देन 6। चलिए अब देखो कि हमने एक डाई थ्रो किया, सॉल्व करते हैं। सैंपल स्पेस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट इवन नंबर, एक इवेंट ए ले लिया, इवन नंबर हो गया 2, 4, 6 अब बताओ एनएस कितना है हमारे पास? एनएस हमारे पास 6 है और यहां एनए कितना है हमारे पास? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/6 1/2 यही होगा कि नहीं होगा? दूसरा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हो गया? 2, 3, 5 यही होगा ना प्राइम नंबर? देखो इसमें प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर का ही आउटकम्स लेना है ना हमें। क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास कितना हो गया? एन बी कितने के इक्वल हो गया? 3 के बराबर। 3/6 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड फोर्थ कर सकते हो, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट
इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली टू। इवन प्राइम नंबर ओनली टू आएगा कि नहीं आएगा, तो एन सी कितने के बराबर हो गया हमारे पास, वन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाई सिक्स। फोर्थ पार्ट डी, नल सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नंबर ग्रेटर देन नहीं है तो जीरो हो गया, एनडी कितना हो गया हमारे पास जीरो, दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से जरा। हो गया, चलिए अगर एक डाई को दो बार थ्रो करें, देखो अब क्वेश्चंस में मैं एक चीजें मैं बता दूं आप लोगों को, देखो अगर एक डाई दो बार थ्रो करें या दो डाइस को एक बार थ्रो करें, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, और अगर एक डाई को हम दो बार थ्रो करें, एक डाई को दो बार थ्रो करें या दो डाई को एक बार थ्रो करें, टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। 12 नहीं बना देना क्योंकि गड़बड़ी में आप लोग क्या करोगे, 12 दो बार हो रहा है, ऐसा नहीं, 6 to the power 2 ध्यान रखना, अगर तीन बार टॉस करोगे तो 6 to the power 3। तो अगर देखो यहां पे अगर एक डाई को दो बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, यही है। अब देखो यहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, अगर क्वेश्चन में कहता है कि टू डाइस आर थ्रोन या ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई यही ए सीरीज, टू का सीरीज, फोर का सीरीज और सिक्स का सीरीज, यही आएगा 6 6 12 और 6 18, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 18 by 36। हमने कहा कि टू डाइस थ्रो कर रहे हैं या एक डाई को दो बार थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डाई शोज इवन नंबर, फर्स्ट डाइस शोज इवन नंबर, सेकेंड डाइस को तो कुछ भी आ सकता है सेकेंड डाइस पे, तो फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर 2 4 6 वाला सीरीज आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 6 6 और 6 18 18 by 36। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको बोला जाता है डबलेट, डबलेट यानी डबलेट कहने मतलब दोनों पे, यानी कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आएगा, दैट इज द डबलेट। What use होगा? Doublet मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6.
डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36, यही होगा ना डबलेट की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब कहता है कि दोनों डाइस पे जो पॉइंट आए हैं उनका सम, ध्यान से जो दोनों पॉइंट है उसका सम, मिनिमम सम कितना होगा, अगर दो डाइस पे पॉइंट आए हैं तो मिनिमम सम कितना होगा, सबसे पहले ही सोचो जरा। मिनिमम सम तो दो ही होगा, दोनों पे एक एक आएगा, मिनिमम दोनों का एक एक पॉइंट है तो दोनों का पॉइंट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मैक्सिमम सम कितना होगा, 12, 6 और 6, दोनों पे 6 आएगा, मैक्सिमम नंबर आएगा तो कितना आएगा, 12 होगा। अब दो का देखो, अगर सम 2 है, सम हमारे पास सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बनेंगे। नंबर ऑफ अकरेंस कितने होंगे, 2 का सम का अकरेंस, देखो 2 का तो सिर्फ यही आएगा, 1 होगा, 3 ये आएगा, देख रहे हो ना क्रॉस में चलते जाओ, 3 कितने हो गए, 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6, 8 का 5, 6 से नीचे होता चला जाएगा, देखो 5 का ये आ गया 4, 6 का हो गया 5 और ये हो गया 7 का 6, यही आएगा कि नहीं आएगा, 7 का 6 हो गया, 8 का सीधे 1 कम होगा 5, 4, 3, 2, 1। अगर ये याद रख लोगे तो विद इन अ सेकेंड एक क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल लॉजिक है, सम 2 का 1, हाईएस्ट सम 12 है तो 7 का सबसे हाईएस्ट अकरेंस होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, ये ध्यान रख लेना इसको, ये पॉइंट्स। अगर हमने कहा कि सम 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 6 की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 5/36, यही होगा कि नहीं होगा, सम 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/36, सम 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36, सम 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36, इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। फटाफट कॉपी कर लीजिए जरा आप लोग, अगर सम की बात करते हैं तो डिफरेंस पे भी हम लोगों को आना पड़ेगा, डिफरेंस भी देखते हैं जरा। डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ 2 डाइस डिफरेंस कितने होंगे, 0 होगा, 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस होगा, 5 होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ अकरेंस, कितने अकरेंस होंगे देखो जरा। अगर मैं बात करूं डिफरेंस का,
देखो डिफरेंस, डबलेट का डिफरेंस जीरो होता है, छ वन डिफरेंस, जीरो से ऊपर वाला और जीरो से डिफरेंस से नीचे वाला दोनों हमारा वन डिफरेंस होगा। देखोगे वन टू टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, डिफरेंस वन है, टू वन थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव, डिफरेंस वन है कि नहीं है, तो कितने हो गए, पांच और पांच दस, टू का कितना हो जाएगा, चार ऊपर चार नीचे आठ, फिर उसके बाद छ, फिर चार, फिर क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट? चलिए, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द probability of 53 Sunday in a leap year? What is the 53 Sunday in a leap year? Leap year में 53 Sunday होने की क्या probability है? अब देखो कैसे निकालेंगे, लीप ईयर में कितने हमारे पास डेज होते हैं, 366 डेज, यानी 52 वीक्स एंड 2 डेज, यही होगा। इन अ लीप ईयर 52 वीक्स एंड 2 डेज होता है, होता है कि नहीं होता है?
52 वीक्स में से 52 संडे तो सियोर हो गया, 52 वीक में 52 संडे तो सियोर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और सियोर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 52 संडे की। लेकिन अब कहता है 53 संडे, तो दो दिन जो बचा हुआ है उसी दो दिन में कौन से दिन संडे आएगा, यही तो देखना पड़ेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। अगर मैं इसका दो दिन के लिए सैंपल स्पेस बनाऊं तो संडे मंडे हो सकता है, दो दिन मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही होगा। इस दो दिन में मैंने जो आउटकम्स बनाए, टोटल आउटकम्स कितने बने? 7। और संडे कहां? संडे यहां है और यहां पे संडे है। संडे मंडे के साथ भी होगा, सैटरडे संडे के साथ भी होगा। तो हमारे पास एनए कितना हो गया? 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इज 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, क्यों? क्योंकि 52 वीक्स में 52 संडे तो सियोर हो गया। एंड हमारे पास कितना हो गया? 2 वीक्स, 2 डेज में ही तो देखना हमें। और कोई डाउट्स इसमें? किसी को डाउट है तो बोलोगे। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल। से पहले आप लोगों को कार्ड के बारे में बता दूं, कार्ड में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 52 कार्ड्स हैं, कलर 2 होंगे, रेड एंड ब्लैक। फिफ्टी टू वेल पैक्ड कार्ड जिसमें 2 कलर होंगे, 26 रेड और 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। रेड में 2 तरह के डिफरेंट सूट्स होंगे जिसमें हार्ट एंड डायमंड, हार्ट भी 13 होगा और डायमंड भी 13 होगा। ब्लैक में भी 2 सूट्स हैं, स्पेड और क्लब, यह भी 13 होगा, यह भी 13 होगा। ध्यान देना जरा, कार्ड में 2 कलर होते हैं और 4 सूट्स होते हैं। ध्यान रखना, सूट्स वर्ड यूज होगा तो 4 सूट्स होते हैं। हर सूट्स में 13 कार्ड्स होंगे और हर कलर में 26 कार्ड होंगे। सभी में हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, सभी में 1 इक्का, 1 किंग, सभी में 1-1 होंगे, 1 क्वीन, 1 जैक और 2 to 10 नंबर कार्ड इन ईच सूट सभी में होंगे। इन इस सूट ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास इन 3 कार्ड को कहा जाता है फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक को कहते हैं हम फेस कार्ड, और टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होंगे, टोटल फेस कार्ड, क्योंकि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, यह मिलकर क्या होगा हमारे पास? टोटल फेस कार्ड बनेंगे। ठीक है,
ये तो हमारे पास कार्ड के बारे में है, और इसमें रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। अब ये सोचोगे कि कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन भी होगा। इसके बाद हम लोग आगे इसका नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आगे 2 से 3 क्लास में यह कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।